अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हेलो। आ रही है सर। ओके, आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब कहाँ हैं? कल की रिजल्ट की टेंशन में बैठे हुए हैं। रिजल्ट 10 तारीख को है हारिस, ओ सॉरी 11 तारीख को रिजल्ट आई थिंक। ओके बच्चों, सो प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी यूनिट मास के लिए होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है, जिसके लिए हम सिंबल बनाते हैं फाई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये हमने इसका इक्वेशन बनाया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर यूनिट मास के पास कितनी एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसका यूनिट जो होता है ये हमारे पास होता है, दैट इज जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, पर केजी एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स नॉट अ वेक्टर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड आल्सो अबाउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का हमने सिंबल बनाया था यू, जो के बराबर होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास। यानी जिस मास को हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर रखा है, उस मास को अगर उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। या हम इसको यूं भी लिखते थे, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है जी, तो दीज वर द इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने बनाई थी, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशन। तो वो 1 kg के पास जो होता है दैट इज पोटेंशियल, ऑन अदर देन 1 kg इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, सो दीज वर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस? Does anyone have any question? जी अच्छा बच्चों, अगर हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो इसका मतलब है कि हमसे इसके क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है ना, सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ताकि जो है हमें ये आइडिया हो जाए कि क्या हमारी इसकी नॉलेज बिल्कुल ठीक हो गई है या अभी भी इसमें हमें कोई इशू है। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर्स, एक पास्ट पेपर्स का सवाल करते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको?
In the question they are asking, define gravitation potential. सबसे पहले तो उसने पूछा है कि define gravitation potential कीजिए. How do we define gravitational potential? जी, definition याद कर लिया आप लोगों ने? Gravitational potential at a point in gravitational field is work done to bring a unit mass from infinity to a point. ठीक है? उसके बाद कह रहा है, explain why the value of gravitational potential near an isolated mass are all negative. Isolated mass के लिए gravitational potential की value near a mass always negative क्यों होती है? इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाए. ठीक है, बिकॉज इन्फिनिटी पे ये जीरो होती है और जैसे जैसे हम एज वी कम क्लोजर टू द मास द एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. ठीक है, ये द एनर्जी डिक्रीजेस. सही है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा ही, वो दूर नहीं लेके जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट को कम ही करना शुरू कर देगा. ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, द अर्थ में बी अज्यूम टू बी एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 4.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर्स विद इट्स मास ऑफ 6.0 into 10 to the power 24 kilograms concentrated at the center. An object is projected vertically from the surface of the earth so that it reaches to the altitude of 1.3 into 10 to the power 4 kilometers. Calculate for this object the change in gravitation potential. तो हमें change in gravitation potential निकालना है. देखो, जैसे कि मैंने change in gravitation potential energy का formula derive किया था, इसी तरीके से तुम लोग चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी एक छोटा सा बना सकते हो, या मैं डायरेक्ट उसको लिख भी देता हूं आप लोगों के सामने कि चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा. देखो, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू जी एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, और आप इसको जो है नहीं हो रही, नहीं. ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू जी एम, ठीक है, इनटू 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को आप लगा के जो है वो इजीली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. जी, कर लेंगे इसको, करके बताइए जरा. मेरा क्वेश्चन ये हमारी अर्थ है. जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उस वक्त उसकी सेपरेशन जो है, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, उस वक्त इसकी सेपरेशन जो है दैट इज रेडियस, दैट इज 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि किलोमीटर्स में है तो मीटर्स में हो जाएगा ये, इनटू द पावर 6 मीटर्स. दिस इज r1. ठीक है, और जब यही मास हम एल्टीट्यूड पे आगे ले जाएंगे, कितने 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर हमने और ऊपर कर दिया, तो ये r2 हो जाएगा, और r2 आपके पास बराबर होगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4, बल्कि नहीं होगा ये 10 टू द पावर 4, 7 हो जाएगा ये. ठीक है, दिस विल बी 7, क्योंकि ये भी किस में गिवन है? किलोमीटर्स. ओके,
तो ये दोनों वैल्यूज आप ऐड करके आर टू की वैल्यू निकाल लोगे, देन यू प्लेस द फॉर्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू जी माइनस जी एम वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, ये फॉर्मूला आप लगा के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो जी। किसी ने किया सॉल्व इसको? जी क्या आंसर आ रहा है भाई जैनब ने? हाँ जी 4.1 इंटू 10 टू द पावर 7, जैनब लग तो ठीक रहेगा। और भी कोई कंफर्म कर दो भाई आंसर। माइनस में आ रहा है आंसर? हाँ वो माइनस साइन इसलिए आ रहा होगा क्योंकि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, फिर या उसको माइनस साइन को रिमूव कर दो क्योंकि चेंज है तो उसमें से माइनस साइन हटा दो सिंपली। और अगर इसको प्लस में लाना है तो फिर आर टू माइनस आर वन कर लो, वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर जी। बाकी सारे कहाँ सो रहे हैं? बाकी सारे किसी से सॉल्व नहीं हो रही है? बाकी सब कहाँ हैं भाई? सो रहे हैं। इकराम, हारिस, क्या आंसर आ रहा है? सिनान, कैलकुलेटर ही नहीं है माश जी। और बताइए भाई कहाँ है भाई ये ईशान खैरी साहब? और वो कहाँ है हरीम कहाँ भाई? हरीम सो रही है? नहीं सॉरी सर, इधर ही हूँ। देखा देखा इसकी सोती हुई आवाज आ रही है, ये सो रही थी अभी जागी है। मैंने क्या बोला था ये सो रही होती है क्लास के? मैं नहीं सो रही। अच्छा कैलकुलेट करके बताओ फिर बेटा क्या आंसर आ रहा है। ओके मैं सो रही हूँ। चलो लिंक नहीं आ रहा, कौन सा लिंक नहीं आ रहा है सर? लास्ट क्लास की वीडियो नहीं शेयर हुई आप लोगों से अभी तक? अच्छा चले मैं पूछता हूँ उसने हमजा से क्या है स्टूडेंट्स को। ठीक है तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग द स्पीड
ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जी तो फिर से मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। अर्थ में भी कंसिडर टू बी अ स्फीयर ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 6.4 इनटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर्स विद इट्स मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर an object is vertically is projected vertically। हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है कि उसका एल्टीट्यूड कितना चला गया 1.3 इनटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर्स। ठीक है तो उसकी पोटेंशियल में चेंज आया होगा। अब ये कह रहा है कि हमने उसको किस स्पीड से फेंका होगा, उसकी प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगी। ठीक है दिस इज ही आस्किंग। ऑब्वियसली हमने जब उसको फेंका होगा तो हमने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी और हमें रूल पता है कि एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हुआ यहाँ पे ये है कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इसकी इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी करेगी। चेंज आया इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, एल्टीट्यूड इसका बढ़ा है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर का एल्टीट्यूड बढ़ा है। तो उसकी वजह से एक्चुअली में हुआ ये होगा कि हमने जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हुई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई होगी। ठीक है जी। एक सवाल, सॉरी सर, क्या मतलब जैनब बेटा, समझ नहीं आया मुझे इसका मतलब। कोई क्वेश्चन है बेटा जैनब, पूछो। अच्छा चलो ठीक है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है, ठीक है, इसको जब हमने ऊपर फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज पाई इनटू m। ठीक है और पोटेंशियल हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है, पोटेंशियल हमने निकाला है 4.19 into 10 to the power minus 7 joules per kilogram। ठीक है तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया इसका। अब एक्चुअली में ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइव इंटू एम के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2m स्क्वायर के बराबर होती है। एम और एम कैंसल आउट हो जाएगा, ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V is equals to under root 2 pi। इससे आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी, phi की वैल्यू आपको पता है 4.19 into 10 to the power plus 7, सॉरी minus 7 नहीं है, plus 7, और उसको ट्वाइस करके फिर उसके बाद उसका रूट ले लीजिए, आपको इसकी स्पीड पता चल जाएगी कि हमने इसको किस स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया होगा। प्लीज कैन आई हैव द आंसर नाउ। 9.2 इंटू 10 टू द पावर 3, बिल्कुल सही है, 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तकरीबन हमने इसको फेंका है। ठीक है जैनब, बिल्कुल सही, शाबाश बेटे। बाकी भी कैलकुलेट करो भाई, बाकी सबके कैलकुलेटर चोरी हो गए क्या हैं? या कल के दुख में सारे कैलकुलेटर बैठे हैं कि कल पता नहीं क्या आ रहा है, या कल के ग्रेड्स की कैलकुलेशन हो रही है बैठ के, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है कि किसका क्या आएगा। जी वैसे घबराते क्यों यार, जो भी आ जाए एएस के अंदर, एएस का ग्रेड A2 में मैटर थोड़ी करेगा। आपका जो ओवरऑल ए लेवल्स का रिजल्ट होगा वो तो सिर्फ A2 से काउंट होगा, एएस का ग्रेड इट डजंट मैटर एनीमोर। जी हाँ बिल्कुल सही बेटा। एनी क्वेश्चंस एनीवन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट व्हाई। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है इस कैलकुलेशन के लिए? जी
इनिशियल स्पीड जीरो थी, फाइनल स्पीड हम निकाल सकते थे इस इक्वेशन को लगा के, लेकिन हमने क्यों नहीं ये इक्वेशन अप्लाई की? बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल नॉट कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की पहली कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्योंकि हमने जब इसको 1.3 इनटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे फेंका होगा, तो वहां पे इसकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, ठीक है? इसी वजह से ये इक्वेशन अब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है बच्चों, तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल। ज़ैनब वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों? तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमें एक फायदा ये हुआ है कि हमें एक चीज ये पता चली है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है? इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? जी, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। एक बात बताइए, लेट्स से हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज सैटेलाइट एनर्जी या एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। हमारे पास एक सैटेलाइट है, ठीक है? दिस इज प्लैनेट अर्थ। ये एक सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है? सैटेलाइट सरफेस से एच की हाइट पे है और रेडियस आर है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी सेंटर से टोटल हाइट है दैट इज स्मॉल आर, विच इज आर इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, ओके? और यही आर इसका ऑर्बिटिंग रेडियस भी है, ओके? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करता है वी की वेलोसिटी से, तो ये इसका ऑर्बिटिंग रेडियस भी होगा। ये बताइए, सैटेलाइट कुछ हाइट पे है और ये चल भी रहा है, क्या इस सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या इस सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, या इस सैटेलाइट के पास दोनों एनर्जीज होगी? बिल्कुल सही है, बोथ होंगी, दोनों एनर्जीज होंगी सैटेलाइट के पास। तो लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². अच्छा, किसी भी सैटेलाइट को चलने के लिए एक राइट स्पीड की जरूरत होती है, राइट स्पीड की जरूरत होती है, और राइट स्पीड की हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की हुई है, दैट इज वी इज इक्वल टू √gm over r, ठीक है? Where r is the separation from the center to the satellite, ठीक है? या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि v square is equals to gm over r, ठीक है? अब v square की वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ से यहाँ पे, तो this will become kinetic energy of a satellite is equals to 1/2 gmm/r. So this can be the equation for the kinetic energy of satellite. Or do remember that it is positive. ये positive होती है, negative नहीं होती। Where capital M is the mass of the planet, small m is the mass of satellite, and r is the separation from the center to the satellite. Okay? तो ये हमारे पास positive में आती है, क्योंकि ये satellite चल रहा है, इसके पास velocity है, तो पक्का इसके पास कुछ ना कुछ kinetic energy होगी।
सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सैटेलाइट की, इसकी क्या एक्सप्रेशन होगी? जरा सोचें इसकी क्या एक्सप्रेशन होगी आप लोगों के पास. What will be the equation of gravitation potential energy of a satellite? Not twice of ke. It is minus 2 ke actually. Minus में होती है gravitation potential energy. देखो ये center से कितनी height के ऊपर है r की. किसी भी point पे gravitation potential energy कैसे निकलती है? U is equals to minus g m m over इस प्लैनेट से इस मास को हम आर की हाइट पे सेंटर से ले गए हैं, तो इसलिए जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की होगी इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर, विच इज एक्चुअली यू कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी 1/2 जी एम एम ओवर आर है और ये खाली जी एम एम ओवर आर है, तो एक्चुअली उसके डबल है, लेकिन डबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ. तो सिंपली वी कैन सी दैट इट इज twice of kinetic energy लेकिन in negative. ठीक है, तो Zainab बिल्कुल बात सही की थी तुमने, लेकिन बस एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई कि negative में हो. ठीक है, कोई question तो नहीं है किसी बच्चे को इसके अंदर? अच्छा, जब किसी object के पास kinetic energy भी होती है, जी बोले जी सर, ये दोबारा explain कर देते हैं equation का. देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है माइनस जी एम एम ओवर आर. हमारे पास एक प्लैनेट है एम के मास का, उससे हम एक सैटेलाइट जो है वो स्मॉल एम के मास का आर की सेपरेशन के ऊपर रखे हुए, जो कि सेपरेशन सेंटर से नापी हुई है. तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर. सीधी सीधी ये एक्सप्रेशन इसकी बन जाएगी. ठीक है, और जब किसी चीज के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो इसका मतलब है उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है. तो लेट्स टाइप द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमें सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी में ऐड करना पड़ेगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है 1/2 जी एम एम ओवर आर प्लस माइनस जी एम एम ओवर आर. ठीक है जी, तो एक्चुअली में टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, ये जब हम इसमें से माइनस करेंगे, अच्छा वन में से हाफ को माइनस करना है, तो ये आपके पास क्या बचेगा? माइनस 1/2 जी एम एम ओवर आपके पास सैटेलाइट के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो माइनस 1/2 जी एम एम ओवर आर के बराबर होती है. कोई मुझे ये बता सकता है कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है? What does this mean? Sir,
सैटेलाइट ऊपर जा रही है, मतलब ऑर्बिट ऊपर जा रही है। अच्छा, और एम भाई और कोई? जैनब, नेहा, सैटेलाइट नीचे आ रही, सैटेलाइट तो बेटा घूम रही है। What is the significance of this negative sign? Satellite is in opposite direction. No, beta, satellite opposite direction में नहीं है। Satellite बेशक यू घूमे बेटे या यू घूमे, दोनों केसेस में इसकी एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि डायरेक्शन से एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं होता। माइंड इट, ये माइनस साइन कुछ और चीज को शो कर रहा होता था, याद करो। Gravitation potential is always negative because the gravitational force is always attractive. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? Additional force काम कर रही है satellite पे। Additional force से काम कर रही है satellite पे। हाँ, ये कौन था भाई? हारिस थे? नहीं सर, मैं था जैद। हाँ, जैद, शाबाश बेटा, good answer. It is an attractive force, so it is pulled and decrease the displacement. हाँ नेहा, बिल्कुल सही है। It is an attractive force, displacement को decrease करेगा। Actually ये satellite अभी भी gravitational force में, जो भी planet है उसकी gravitational force में binded है। इसके ऊपर एक additional force काम कर रही है, जैद ने जैसे कहा, और उस force की वजह से ये मजबूर है कि ये इस planet के गिर्द घूमे, ठीक है? अगर अदरवाइज अगर इसकी एनर्जी पॉजिटिव में होती तो ये तो आउटर स्पेस में कुछ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा होता। सेकंडली, अगर इसकी एनर्जी जीरो होती तो इसका मतलब है कि ये कहाँ होता? ये इंफिनिटी के ऊपर होता। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? कि इट इज स्टिल इन द ग्रेविटेशनल फोर्स और इट इज स्टिल बाइंडेड विद द अर्थ और एनी प्लैनेट। ये किसी भी प्लैनेट के साथ या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके गिर्द घूमने पे मजबूर है। सिंपल लैंग्वेज, उस बेचारे पे एक लोन चढ़ा हुआ है, अर्थ ने अपना वर्क करके उस पे लोन चढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से वो मजबूर है कि वो अभी भी प्लैनेट के गिर्द घूमेगा, ठीक है? जो द प्रॉपर आंसर इज बिकॉज़ द सैटेलाइट इज स्टिल इन द ग्रेविटेशनल फोर्स और इट इज एक्सपीरियंसिंग द एक्सटर्नल फोर्स बाय द प्लैनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द प्लैनेट, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव, और इट इज बाइंडेड टू द प्लैनेट। ये प्लैनेट के साथ बाइंड हुआ हुआ है क्योंकि ये उसके गिर्द घूम रहा है, मजबूर है, ठीक है? उसका दिल नहीं चाहेगा, वो कहेगा मैं तो आउटर स्पेस में चला जाऊं, लेकिन माइनस साइन है तो इसका मतलब है मजबूर है, वो घूमता ही रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस, में अभी भी किसी को कोई डाउट है? जी बच्चों, जैनब, इज इट क्लियर? तो नेगेटिव साइन का मतलब है इट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ अट्रैक्टिव फोर्स की इन्फ्लुएंस में अभी भी है, इट इज बाइंडेड टू अ प्लैनेट एंड इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड इट, ठीक है? तो आज हमें एक चीज क्लियर ये भी हुई है कि एक सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और एक सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है? और उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपके पास वो जो सैटेलाइट है ये एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में बाइंड हुआ हुआ है और इसके गिर मजबूर है कि वो घूमे, बाइंडेड, ठीक है? एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑर्बिट में भी ऐसा होता है? ऑर्बिट में बाइंड है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तभी तो ऑर्बिट में होगा ना, बाइंड होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उस काम पे नहीं करेगी उस जगह पे तो वो सैटेलाइट आउटर स्पेस में चला जाएगा, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पे ऐसे क्या काम कर रही है? वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पर। अच्छा जी, ठीक है, सुभान, ठीक है। हाँ जी जी, देखिए सर, ऑर्बिट में तो ग्रेविटी नहीं होती, राइट? मैं अभी ऑर्बिट निकल के मारूंगा स्क्रीन से तुम्हें ऑर्बिट में ग्रेविटी। बेटा ऑर्बिट में अगर नहीं होगी ग्रेविटी तो वो अर्थ के घूमेगा कैसे? सेंट्रीपेटल फोर्स क्या कौन देगा उसको? सैटेलाइट को कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो उसको जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, ग्रेविटी सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पर काम कर रही है। हाँ,
कम होगी, वीक होगी ग्रेविटी क्योंकि दूर है काफी, लेकिन ऑब्वियसली ग्रेविटी है जब भी तो घूम रहा है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो घूमेगा थोड़ी बहुत, आउटर स्पेस में स्केप कर जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, तो एक सेटेलाइट है जिसका ऑर्बिट जो था वो लेट से पहले था R1, ये सेटेलाइट R1 से R2 के ऑर्बिट में चला गया है, ठीक है बच्चों? R1 से R2 के ऑर्बिट में गया है, ये मुझे बताओ कि R1 से R2 में जब ये जाएगा तो इसके अंदर क्या एनर्जी चेंजेस आएंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए, ग्रेविटेशन कि वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में भी बताइए। और लेट्स से देयर इज नो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, नो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, यहाँ पे किसी किस्म का एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन नहीं है, तो व्हाट अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इंक्रीज डिक्रीज और सेम, सेम भी कर सकते हैं इसको हम, एस का मतलब है जी। तो व्हाट विल हैपन टू द एनर्जीज ऑफ द सैटेलाइट जी, दैट इफेक्टिव फोर्स, अच्छा ये तो पुराना है जी ज़ैनब, यस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, गुड बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इस पे सब एग्री करते हैं? बिल्कुल सही है, सही है था जैनब बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज करेगी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है? क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ गया। एक और क्वेश्चन का आंसर दो, दिस इज ऑर्बिट 1 एंड दिस इज ऑर्बिट 2, R2 वाला ऑर्बिट 2 है, R1 वाला ऑर्बिट 1 है, इस ऑर्बिट में ज्यादा स्पीड होगी, हायर स्पीड किस ऑर्बिट में होगी, R1 में R2 में? R1 में सर, बिल्कुल सही है, R1 में ज्यादा स्पीड होगी क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा लेट्स सी, अगर ये सैटेलाइट और लोअर ऑर्बिट में आ जाए, R1 से भी छोटे ऑर्बिट में आ जाए, लेट्स से यहाँ आ जाए, तो बताओ इसकी स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? ये सैटेलाइट और नीचे आ गया थोड़ा सा, तो व्हाट हैपेंड टू इट, इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि सैटेलाइट का ऑर्बिट जितना दूर होता जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम होती चली जाएगी, और वो सैटेलाइट जिसका ऑर्बिट बहुत ज़्यादा करीब होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की और पोलर सैटेलाइट की दोनों की स्पीड निकाली थी। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट काफ़ी बड़े ऑर्बिट में होता है, काफ़ी दूर होता है, इसलिए उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, जबकि पोलर सैटेलाइट 1.5 घंटे में आपकी अर्थ का चक्कर लगा लेता है, जबकि आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, क्योंकि जियो स्टेशनरी आउटर ऑर्बिट में होता है, बड़े ऑर्बिट में होता है, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, दूर होता है, और पोलर सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी करीब होता है तो और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है जी? तो ये पॉइंट ज़रा याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि और सैटेलाइट हमेशा आउटर ऑर्बिट में उसकी स्पीड कम होती है और इनर ऑर्बिट में हमेशा उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। Any questions in that? Sir, in तीनों orbits में mechanical energy same होगी? Mechanical energy same होगी, despite मुजम्मिल अगर कोई frictional force नहीं है तो, अगर frictional force आएगी तो mechanical energy change हो जाएगी, ठीक है? मुजम्मिल साहब, ठीक है ना? अब आपने सवाल किया है तो अगले सवाल का आंसर आप ही देंगे, ठीक है? अच्छी, अच्छा आपने मुझे याद दिलाया। Let's say ये प्लैनेट है,
ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, यानी थोड़ी बहुत इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से इस सैटेलाइट की स्पीड में थोड़ी सी हिंड्रेंस आई, एटमॉस्फेरिक क्रैश स्पीड आया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि व्हाट हैपेंड टू दिस सैटेलाइट, कि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से इस सैटेलाइट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे। ऑब्वियसली एक कंफर्म बात मैंने भी ऑलरेडी बता दी कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो डिक्रीज होगी क्योंकि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में आ गई है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो डिक्रीज होगी, लेकिन एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से व्हाट विल बी द मूव ऑफ द सैटेलाइट, क्या सैटेलाइट एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से सेम ऑर्बिट में चलता रहेगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा, इनर ऑर्बिट में जाएगा, बताइए क्या होगा। सो ऑप्शन वन इज आउटर ऑर्बिट, ऑप्शन टू इज इनर ऑर्बिट। और एक बात और याद रखिए, मुझे ये भी बताना है कि आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो इसकी स्पीड का क्या होगा और इनर ऑर्बिट में आएगा तो इसकी स्पीड का क्या होगा। जी सर, स्पीड डिक्रीज होगी तो आउटर ऑर्बिट में जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एज इट स्टार्ट टू मूव आउटवर्ड। अच्छा, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। अल्लाह के बंदो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है? आउटर ऑर्बिट में जाने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विस्कस ड्रैग की वजह से जो स्पीड इसकी कम हो रही है या काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वो विस्कस ड्रैग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो? जी बाकी कहाँ गए भाग गए सारे? मैनम आंसर दो इसका। हाँ, मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि एक सैटेलाइट को एक आउटर और एक ऑर्बिट में घूमने के लिए एक राइट स्पीड चाहिए होती है, है ना? और अगर बाय द वे अगर उस राइट स्पीड से ज्यादा हो जाए तो सैटेलाइट बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, और अगर राइट स्पीड से कम हो जाए तो सैटेलाइट अंदर की तरफ आता है, ठीक है, और वो फिर स्पाइरल करता 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 अर्थ पे वापस गिर जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अंदर आएगी, ठीक है। तो अब एक सवाल ज़हनों में और उठा होगा कि सर अगर ज्यादा स्पीड होती है तो वो आउटर ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है? बेटा ज्यादा स्पीड होती है तो वो आउटर ऑर्बिट में जाता है और वो ज्यादा स्पीड कम होके डिक्रीज होके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होके एक आउटर ऑर्बिट बनाती है सैटेलाइट का और वो उसके गिर्द घूमना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ना हो और वो इसकी स्पीड को तब भी ना कंट्रोल कर पाए, बैलेंसिंग ना हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल और काइनेटिक की, तो फिर वो सैटेलाइट बाहर ही निकल जाता है, ठीक है। स्पीड कम होती है राइट स्पीड से तो इनर ऑर्बिट में आता है। जी अब सही है, आप बताइए क्या होगा इसके। जैनब कहाँ चली गई भाई? जैनब आंसर दो। तुम बहुत मोहतात होकर खेल रही हो, है क्वेश्चन रिपीट कर। अच्छा देखो बेटा, एक सैटेलाइट है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हुई है, स्पीड भी डिक्रीज हुई है बेटा, ठीक है। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से क्या ये सैटेलाइट आउटर ऑर्बिट में जाएगा या इनर ऑर्बिट में आएगा, और
ये भी सवाल का जवाब दो कि जब वो इनर ऑर्बिट में या आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो इसकी स्पीड पे क्या चेंजेस आए। पहले तो चलो इतना बता दो कि स्पीड कम होगी तो आउटर ऑर्बिट में जाएगा या इनर ऑर्बिट। बिल्कुल सही है, इनर ऑर्बिट में आएगा। गुड, बिल्कुल सही। इट विल नॉट गो इन द आउटर ऑर्बिट, इन द इट विल गो इन द इनर ऑर्बिट। ठीक है, इनर ऑर्बिट में जाएगा। शाबाश नेहा। अब ये मुझे बताओ बच्चों कि जब वो इनर ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी स्पीड बड़ी हुई होगी या कम हुई भी होगी? इंक्रीज होगी सर स्पीड। इंक्रीज होगी। सुभान सर, जरा एलैबोरेट करेंगे क्यों इंक्रीज होगी? वैसे एक बात बता दूं, आपने कहा सही, इसे घबराए नहीं, लेकिन उसको एलैबोरेट करें कि क्यों सर वो इट्स करीब आ रहा है ना उसके इट्स कमिंग इन इनर ऑर्बिट तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दैट सर कैसे इंक्रीज होती है इनर ऑर्बिट में आके? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी इनर ऑर्बिट में आके। जैद भाई क्या हो गया? काइनेटिक इंक्रीज होगी ना ड्रॉप करते हैं तो नीचे जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ग्रेविटी काम कर रही है। दिस इज अ टेक्स्टबुक आंसर कि उस पर ग्रेविटी काम कर रही होती है। बिल्कुल सही। तो सीधा सीधा बोलो ना यार कि सैटेलाइट की स्पीड कम होगी, वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाएगा, इनर ऑर्बिट में जब वो जाएगा तो ग्रेविटी उस पर वर्क करेगी और इसकी स्पीड को बढ़ा देगी। बस सिंपल एज दैट। इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम लोग? अच्छा ये बाय द वे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जब एक सैटेलाइट के ऊपर विस्कस ड्रैग काम करेगा तो व्हाट हैपेंड टू द स्पीड, व्हाट हैपेंड टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड टू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह के उसने सवाल किए हुए हैं आपसे। ठीक है, मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। समीउर रहमान साहब ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। जब किसी सैटेलाइट के ऊपर विस्कस ड्रैग काम करता है तो विस्कस ड्रैग के काम करने की वजह से सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती ही होती है, ये तो पक्का याद रखिए। उसकी स्पीड भी कम होती है और स्पीड कम होने की वजह से सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट की तरफ गिरता है, लेकिन जब वो गिरता है तो गिरते हुए उसकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी उसकी पिछले ऑर्बिट में थी। बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं होती। ठीक है, ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा। तो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी ख्याल रखिएगा इस चीज़ों को। और दिस इज इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। चैप्टर की लास्ट चीज़ रह गई है, दैट इज स्केप वेलोसिटी। और कल आई थिंक क्लासेस नहीं है आप लोगों की? कल ऑफ है ना आप लोगों का? चलें भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट फॉर टुमारो इंशाल्लाह। लेकिन इट्स कल ऑफ है। हाँ कल ऑफ है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट का मैं अब आप लोगों का कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि सारी कहानी जो है वो तो सीआई स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा तरफ चल रही है। ठीक है, चलें जी। ओके एवरीवन, टेक केयर। कल क्लास नहीं है? चल नहीं नहीं कल क्लास नहीं है। हाँ नहीं है बेटा, कल क्लास नहीं है, कल रिजल्ट डे है। अच्छा ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।